हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हो आप सब। तो अभी फ़िलहाल मैं हूँ जंगल पे, और ये जो जंगल का नाम है दियो पहाड़ रिज़र्व फॉरेस्ट। और ये जो रिज़र्व फॉरेस्ट है, ये एक्चुअली आसाम गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था एज अ रिज़र्व फॉरेस्ट ऑन January 19, 2019 पे अंडर सेक्शन 17। तो कैसा लग रहा है गाइस, आप देखते रहिए। तो दियो पहाड़ रिज़र्व फॉरेस्ट में आपको अलग अलग तरीके के आपको जानवर, चिड़िया, तितलियाँ, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे भी आपको मिलेंगे अलग तरीके के, जो कि इस दियो पहाड़ रिज़र्व फॉरेस्ट को खास बनाता है। 80 से भी ज़्यादा तितलियों के प्रजातियों यहाँ पे देखा गया है। अलग अलग मौसम में अलग अलग तितलियाँ आपको यहाँ पे देखने को भी मिलेंगी, क्योंकि अलग अलग मौसम में यहाँ पे जंगली फूल भी खिलते हैं, जैसे कि उदाहरण ये। इस फॉरेस्ट के बगल में चाय बागान जहाँ पे है, तो चाय बागान पे जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स जो यूज़ हो रहे हैं, उस वजह से हमारे तितलियाँ और जो कीड़े मकोड़े हैं उन पे प्रभाव पड़ रहा है। तो ये रिज़र्व फॉरेस्ट के पास में और एक आर्कियोलॉजिकल साइट भी है, जिसका नाम है दियो पहाड़ आर्कियोलॉजिकल साइट। तो आप लोग भी यहाँ पर आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे ठीक पीछे बाबा थान का शिव मंदिर है, जो कि दियो पहाड़ रिज़र्व फॉरेस्ट के पास में ही आता है। ये रिज़र्व फॉरेस्ट के उत्तरी इलाके में नवपथार गांव है, और दक्षिण वाले इलाके में नुमालीगढ़ रिफाइनरी टाउनशिप है। तो अगर आप आते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क पे, तो आप ज़रूर दियो पहाड़ रिज़र्व फॉरेस्ट को भी आप देख के जाइए, क्योंकि वहाँ से बस आपका 50 से 60 किलोमीटर ही दूर है।